रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को, बातें इश्क मोहब्बत की चल रही हैं। आपकी भी लव लाइफ से जुड़ी कोई ऐसी बात जिसे लेकर आप परेशान हैं, आप बांट सकते हैं उसे मेरे साथ। नंबर है स्टूडियो का 0114171911। FB इंस्टा पर पेज है रेडियो सिटी लव गुरु। DM कर सकते हैं आप अपना नंबर या सवाल उसके जरिए भी। फिलहाल वक्त है इस बातचीत को सुनने का। सीन ये है कि बीते 2 महीनों से मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उससे बहुत अनबन हो रही है, बात बात में झगड़ा हो जा रहा है जी। कभी मैं उसको ब्लॉक कर दे रहा हूँ इंस्टाग्राम से, कभी वो ब्लॉक कर दे रही है। और मई के महीने से हम लोग का लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, तो वो कोटा चली गई है और मैं गोरखपुर में हूँ। उसके बाद से अनबन होने लगी और मैं जब उसको टाइम दे रहा था तो वो टाइम नहीं दे पाती थी, वो टाइम दे तो मैं नहीं दे पाता था। तो बीच में कुछ नॉर्मल हुआ, फिर कुछ समय बाद से वही सीन होने लगा और इस 2 महीने से काफी ज्यादा सीरियस हो गया कि ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप करना है, हमको नहीं रहना, हमको नहीं रहना है। सर देखो, अगर अगर ये खींचतान चलेगी ना तो ये रिश्ते में यही नौबत आएगी। उसका रीजन ये है कि देखो, कोटा जाहिर तौर पर कंपटीशन की तैयारी करने गई है, शायद आप भी पढ़ ही रहे होंगे। नहीं, मैं इसी में जॉब कर रहा हूँ। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रही हैं, तो वो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, तो उनको तो आपको उस तरीके की स्पेस देनी होगी। वो जो टाइम जो आपके साथ आपके शहर में उनको मिलता है साथ रहकर, उस तरीके का टाइम दूसरे शहर में या कुछ ऐसा नया अगर हो तो उस तरीके का टाइम नहीं मिलता। ये एक्सपेक्टेशन ही गलत होती है कि उतना टाइम मिलेगा उस तरीके का टाइम मिलेगा। मैं एक बात मानता हूँ और बहुत स्ट्रांगली इस चीज में बिलीव करता हूँ कि डिसिप्लिन और रूटीन चाहे जिंदगी में हो चाहे रिश्तों में हो, ये जरूरी हो जाता है। तो रूटीन कहने का मतलब ये है कि अगर उनका पैटर्न आप समझते, जैसे कि नए शहर में गई तो वहां जाकर कुछ टाइम ठीक चला, फिर टाइम को लेकर खींचतान होने लगी, तो यही अगर आप थोड़ा रूटीन और पैटर्न समझ लें, यही अगर थोड़ा सा वो भी समझ लें, आप लोग कॉमन टाइम के तहत चीजें करें। वो पढ़ती हैं उस टाइम पर उनका फोन ऑब्वियसली, कोचिंग जाती होंगी तो बंद रहे, जब वो अपना पढ़ाई कर रही होती है उस टाइम बंद रहे, तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी तो देनी होगी सर। और आप समझो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में छोटी सी कोई भी बात बहुत बड़ा रूप ले लेती है, क्योंकि कॉल वेटिंग गया, अचानक से आपने शक करना शुरू कर दिया, इनसिक्योर हो गए, पर इतना भरोसा तो अपने प्यार के ऊपर करना बनता है। आप जॉब करते हैं, आपके लिए पॉसिबल है, उनसे मिल करके आइए और मिल करके ना सामने बैठकर इस मसले के ऊपर बात करिए, इस मसले को रिजॉल्व करिए। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सीधा सीधा मैं कहूँ ये सिर्फ तालमेल, आपसी अंडरस्टैंडिंग, ये मसला केवल इतनी सी बात का है। एक दो महीने से सीन इतना डिस्टर्ब हो गया, मतलब इतना बेकार हो गया सीन ये कि ब्रेकअप वाली बातें चली जा रही हैं। सर बोल तो रहा हूँ, देखो नहीं रहना है। हाँ, बोल रही है कि मैं रह भी नहीं पा रही तुम्हारी बगैर, तो ये आपको एक तो रीजन देता है कि पहले तो आप ट्रस्ट करो, दूसरा आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए एक लवर के तौर पर एक संवेदना होना जरूरी है। तो ये संवेदना आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई वो परेशान हो रही है, शायद हम लोग कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से वो चिढ़ रही है, परेशान हो रही है, वो साथ तो रहना चाहती। और समझो वो पढ़ने गई है, कंपटीशन का अपना अलग प्रेशर है, ये होता ही है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रेशर ना ले कोई भी बच्चा ना ले, लेकिन वो ले लेते हैं। तो सर गो एंड मीट हर, सॉर्ट आउट करके आओ और कायदे से डिसिप्लिन के तहत एक रूटीन के तहत चीजों को लेकर आगे बढ़ो, सही होगा सब कुछ। समझ गया, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। रेडियो सिटी लव गुरु।